सहयोग सभी के लिए आवश्यक है, सभी व्यक्तियों के लिए, लेकिन पुलिस कर्मियों के लिए और भी ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आजकल जो पुलिस का कार्य है वो काफ़ी उसके चैलेंजेस बढ़ गए हैं। न सिर्फ ये सिर्फ फिजिकल स्वस्थ रहने में मदद करेगा, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी ठीक रखने में मदद करेगा। पुलिस कर्मियों को के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस रहता है, काम का लंबे वर्किंग आवर्स होते हैं और साथ ही में परिवार से दूरी भी रहती है, तो जिसके कुल मिलाकर के काफ़ी स्ट्रेस रहता है। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए तो ये बेहद ही आवश्यक है। तो हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से इसका शुरुआत किया जा सके, परंतु भविष्य में भी आगे हम लोग पुलिस लाइन में इसको आधे घंटे प्रतिदिन योग कराने के लिए प्रयास करेंगे। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था, उसके बाद पूरे विश्व में योगा दिवस धूमधाम से मनाया जाने लगा। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के पुलिस लाइन में और आप यहां पर देख सकते हैं कि महिला सिपाही हैं, वो योग कर रही हैं और साथ ही साथ जो सार्जेंट मेजर हैं वो भी योग कर रहे हैं। कई सिपाही हैं और कई पुलिस थाने के अधिकारी हैं जो कि यहाँ पर योगाभ्यास कर रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर अगर भागलपुर में बात करें तो खुद SSP आशीष भारती आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तो योगाभ्यास कर रहे हैं, साथ ही साथ SSP के साथ CTSP सुशांत कुमार सरोज, CTDSP राजवंश सिंह और योग गुरु भी यहाँ पर जो है तो प्रशिक्षण दे रहे हैं और योगाभ्यास यहाँ पर करा रहे हैं। योग से कितना फ़ायदा है ये तो ये सारी दुनिया जानती है, लेकिन भारत की जो इतिहास है, जो यहाँ की जो संस्कृति है उसमें योग जो है तो घुला हुआ है, मिला हुआ है। साथ ही साथ अगर बात करें तो इस योग को 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से वैश्विक स्तर पर मनाने की घोषणा की गई थी और उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। हम एक बार आपको फिर से इस परेड ग्राउंड की तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर जितने भी सिपाही हैं, महिला पुरुष सारे सिपाही और अधिकारी, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मना रहे हैं और योगाभ्यास कर रहे हैं। तो योग स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक है और साथ ही साथ जो परेशानी होती है, जो मानसिक तनाव होता है, उसे भी योग दूर करता है। हम भी सिल्क TV में आप सभी लोगों से अपील करती है कि घरों में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ योगा दिवस मनाएँ। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क TV भागलपुर। आज विश्व योग दिवस है, क्योंकि COVID-19 का बड़ा खतरा है, इसलिए सामूहिकता में मैं इस बार योग दिवस पे कहीं पार्क में जाकर योगा नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं अपने घर में ही योगा कर रहा हूँ। आपसे भी उम्मीद है कि आप घर में योगा करेंगे और योगा जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, आपको जरूर करना चाहिए। Thank you.
चरखा चलता है हाथों से, शासन चलता है तलवारों से, पेट चलता है राशन से, और यह शरीर चलता है योगासन से। पानी से नहाओगे लिबास बदल लोगे, पसीना से नहाओगे इतिहास के साथ साथ अपना स्वास्थ्य बदल लोगे। वाह वाह जो हंसा वो फंसा, और जो फंसा वो कभी नहीं हंसा। हंसना एक व्यायाम है, जो हंसता है वो स्वस्थ रहता है। योग ऐसी क्रिया है कि एडिशन है, योग एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन होता है। योग क्यों माना? योग जो है आत्मा और शरीर को बांध के रखता है और स्वस्थ रखता है। योग के बारे में योग करोगे तो शरीर में क्या है, सारा फंक्शन काम करेगा, उसके अंदर ऑक्सीजन जाएगा। जितनी बीमारियां हैं, अस्थमा हो, खांसी हो, दमा हो, सिंड्रोम हो, बायोटोलिक हो या माइग्रेन हो, सभी बीमारी पर योग करके बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है। हम लोग यहाँ पर डेली योग करते हैं, और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, लेकिन कुछ कारणों के COVID-19 के वजह से हम लोग यहाँ पर सामूहिक कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग जितने भी हो सकते हैं जितना डिस्टेंस मेंटेन करना करके ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और योग हमेशा हम लोग डेली करते हैं ताकि फिट रहें और समाज को भी फिट बना रहे।